चलिए, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब सेट गिवेन हो, सेट गिवेन हो, फंक्शन जो है वो सेट के फॉर्म में होना चाहिए। फंक्शन किस में गिवेन है? सेट के फॉर्म में। आपका जो फंक्शन है वो सेट के फॉर्म में गिवन हो, गिवन हो। जैसे जैसे देखिए, एफ ए टू बी और जी जो है अगर सी टू डी है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, या इनपुट भी बोल सकते हैं आप, और इस वाले को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और इसी के अंदर में रेंज होता है, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर आपको फॉग निकालना हो, क्या निकालना हो? फॉग, एफ ओ जी, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा आर डी, आर डी याद रखिएगा। आर डी का मतलब क्या हुआ? जी का डोमेन और एफ का रेंज। जी का डोमेन, तो जी का डोमेन ये हो गया, एफ का रेंज मतलब को डोमेन आप बोल सकते हैं, ये वाला हो गया। तो अगर कोई कहेगा फॉग क्या होगा, तो झट से हम लोग बोलेंगे आर डी। तो जी का डोमेन क्या है? तो डोमेन पहले, और एफ का रेंज, तो एफ का रेंज ये होता है, बी हो गया। अब कोई पूछेगा गॉफ आर डी, एफ का डोमेन ए और जी का रेंज, जी का रेंज डी, तो क्या याद रखना होता है? आर डी आपको याद रखना है, आर डी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है। देखिए, एफ दिया हुआ है, ये डोमेन है और ये रेंज है, एफ को डोमेन आप बोल सकते हैं। जी के लिए ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन रेंज है, और ये दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, फिर आपको गॉप बताना है। तो कोई बात नहीं सर, अगर हमको गॉप बताना है तो हम काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अगर हमको गॉप बताना है, गॉप बताना है, यहां भी कुछ होना चाहिए। तो एफ का, एफ का क्या याद रखिएगा? आर डी, एग्जाम में नहीं लिखना है आर डी, एफ का डोमेन। तो देखिए एफ का डोमेन क्या है? हाँ सर, 1 3 4, क्या लिखेंगे? 1 3 4। और जी का रेंज, तो जी का रेंज कहाँ चला गया? जी का रेंज दिया हुआ है 1 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 3। सबसे पहला काम तो ये हम कर लेंगे, ये काम कर लिया, गॉप निकालना था तो इतना लिख लिया हम लोग। अब क्या है? अब हमको ये बताइए, इनपुट में, इनपुट में सबसे पहला काम x इक्वल टू 1 है, यही है ना? अरे x इक्वल टू 1 है, तो आप इसको लिखिएगा कैसे? g f 1, क्योंकि गॉप का मतलब होता है, गॉप का मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स, यही होता है। तो अब आप ये बताइए, f1 तो पता नहीं है, f1 खोजते हैं, उसमें ज़रूर दिया हुआ होगा। तो सर f1 पे क्या है? 2 है, तो क्या लिखेंगे? g2। फिर आप g2 खोजिए कहाँ पे है, तो g2 कहाँ दिया हुआ है? g2, g वाला ये है, 2 पे 3 है, तो बराबर हो जाएगा आपका 3। अगर ऐसे निकालने में आपको दिक्कत हो रहा है तो एक काम कीजिए, सबसे पहला काम इसको आप लिख लीजिए, किसको? एक मिनट, हम क्वेश्चन को
एफ में जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए लिख लेते हैं साइड में क्या दिया हुआ है। F1 F1 2 दिया हुआ है, फिर बताइएगा F3 कितना दिया हुआ है, 5। फिर आपका F4 कितना दिया हुआ है, 1। ये F का कहानी हो गया। G का भी लिख लेते हैं, G1 कितना है, 3। G2 कितना है, 5। और G5 कितना है, तो 1। क्वेश्चन में जो दिया था लिख लिए, तो वो एक्स बराबर 1 के बाद एक्स जब गॉफ को खाने के लिए 1 मिलेगा तो आउटपुट में वो 3 देगा, ध्यान रखिएगा। अब ये खाने के लिए जब इसको 2 मिलेगा तो गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिए, तो जी एफ एक्स के जगह पे आप 2 रखिएगा। अब बताइए कि जी एफ 2, एफ 2 खोजिए, तो एफ 2 एफ 2 एफ 2 तो है ही नहीं, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 तो है ही नहीं ना, 3 होगा यहाँ पे, सॉरी 3 होगा, 3। तो एफ 3 कितना है, 5 है। अब ये बताइए जी 5 कितना है, जी 5 1 है। मतलब जब गॉफ को खाने के लिए 3 मिलेगा तो आउटपुट में ये 1 देगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू 4 पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, जी एफ ऑफ 4। तो ये बताइए जी ऑफ F4 कहाँ चला गया, F4 1 है। और G1 कहाँ पे है, G1 है 3। यानी गॉफ जो मेरा मिला, गॉफ लिख देते हैं, गॉफ मिला क्या मिला, 1 पे 3, 3 पे 1 और 4 पे 3, यही मेरा आंसर हुआ जो आपके सामने दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, एक सेकेंड। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसमें आप सबसे पहला काम कीजिए, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप पहले इसको लिख लीजिए, F1 पे 2 है, F3 पे 5 है और F4 पे 1 है, इसको लिख लिए। फिर इसको लिख लीजिए, G2 पे 3 है, G5 पे 1 है और G1 पे 3 है, लिख लिए इतना। क्योंकि हमको क्या निकालना है, फॉग निकालना है, तो हम काम ये करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फॉग। तो फॉग में जी का डोमेन, कहाँ गया, अरे पहले वाले को डोमेन बोलते हैं, तो 2 5 1 क्या लिखेंगे, 2 5 1। अरे जी का डोमेन कहाँ है, 2 है, 5 है, 1 है, पहले वाले को डोमेन, बाद वाले को रेंज। अब एफ का आपको रेंज बताना है, एफ का रेंज कहाँ चला गया, तो 2 5 1 क्या लिखेंगे, 2 5 1। अब जो है आपको फॉग निकालना है, तो सबसे पहला काम एक्स इक्वल टू, जब तक ये नहीं बनाइएगा आपको इनपुट का पता ही नहीं चलेगा, तो x बराबर 2 लिखे, तो फॉग, तो f ऑफ g2, तो f ऑफ g2 कितना है, 3,
और एफ थ्री कितना है 5, मतलब जब खाने के लिए 2 मिलेगा तो आउटपुट में 5 मिलेगा। अच्छा अब आइए, जब x इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, f g5, f g5 कितना है 1 और f1 कितना 2, इसके बाद कौन मिलेगा x इक्वल टू 1 मिलेगा, तो f ऑफ g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 कितना हुआ 3 और f3 कितना हुआ, f3 कितना हुआ 5, यानी फाइनली जो मेरा आंसर आने वाला है फॉक का वो क्या आने वाला है, देखिए हम लिखेंगे फॉग 2 दिए तो 5, फिर 5 दिए तो 2 और 1 दिए तो 5, यही आने वाला है फॉग। उसी तरह आप गॉफ निकाल लेंगे, ये होमवर्क है पहला दूसरा, और ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसी तरह से बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसका ये आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। तो मेन फंडा क्या है, जो मेन ट्रिक होता है इसमें, वो ट्रिक यही है कि आप फॉग के लिए हमेशा याद रखें RD, अगर गॉफ है तो भी आप याद रखें RD, बस।